हेलो वालो, मैं हूँ फैक्ट भाई। और चंद्रयान 3 फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून का रिकॉर्ड बनाने निकल पड़ा है। पर क्या चंद्रयान 3 में 613 करोड़ सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए डाले गए हैं? वेल, चंद्रयान का बखान तो विस्तार में होगा, लेकिन जहाँ चंद्रयान 3 इंडिया की आन बान शान बढ़ा रहा है, वही इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी ने उसी शान पे सवाल उठा दिए। और सवाल तो आप भी उठाओगे सोच पर। बिग बॉस की बेबिका की समझदारी पर जिन्होंने लाइव शो में कर डाला फुकरा इंसान के बड़े भाई ट्रिगर्ड इंसान को प्रपोज। ट्रिगर्ड इंसान हनी, यू नो आई लव यू। तो क्या बेबिका बनेंगी अभिषेक की भाभी? वेल, बेबिका के इजहार से लेकर चंद्रयान 3 की उड़ान तक की कहानी जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, चंद्रयान 3। इंडिया चंद्रयान 3 को चांद पर उतार के बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये 2019 में ही अचीव हो जाता अगर चंद्रयान 2 का मिशन सफल रहता। लेकिन क्या इंडिया ने चंद्रयान 2 में 608 करोड़ और चंद्रयान 3 में 613 करोड़ सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खर्च किए? वेल भाई लोग, इन करोड़ों के खर्चे और हजारों घंटे की मेहनत के पीछे है सिर्फ दो वजह, जिसमें से पहली है पानी। क्योंकि अब साइंटिस्ट ने धरती की तरह चांद पर पानी की खोज कर ली है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी यंत्र के जरिए इंडिया को ये पता लगा कि चांद के साउथ पोल हिस्से में पानी पाया जा सकता है, जो चांद के तापमान की वजह से बर्फ में जमा हुआ है। और अगर इस बार इंडिया मून के पानी वाले हिस्से का एग्जैक्ट पता लगाता है, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि पृथ्वी पर भी पानी का निर्माण कैसे हुआ था। इस मिशन की दूसरी और सबसे अहम वजह है साउथ पोल की मैग्नेटिक शक्तियाँ। और अगर भारत वहाँ तक पहुँचता है, तो इस अनियमित मैग्नेटिक फील्ड से ये पता चल जाएगा कि आखिर चांद का जन्म हुआ कैसे। क्योंकि थ्योरी के हिसाब से करीबन 4.5 बिलियन साल पहले थिया नामक प्राचीन ग्रह ने धरती यानी अर्थ से टक्कर ली थी, और इस टक्कर से ही चांद का जन्म हुआ था। अब ये थ्योरी चाहे सच हो, लेकिन भारत प्रैक्टिकली प्रूव करके इस थ्योरी को दुनिया के सामने लाएगा। मगर जब इसी की तलाश में एवेंजर्स एंड गेम के आधे बजट से भी कम में बने चंद्रयान 2 के मिशन को चांद पर भेजा गया, तो विक्रम रोवर के कनेक्शन टूटने की वजह से चंद्रयान 2 का मिशन फेल हो गया। लेकिन हार मानने की जगह पे 2019 से 2023 तक साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत की। चाहे आज तक चांद पर कई देशों ने अपने कदम रखे हों, लेकिन सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो मून पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ऐसी चौथी कंट्री बनेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इस सब की शुरुआत 2008 में हुए चंद्रयान 1 के मिशन से हुई थी। भारत का पहला मून मिशन होने के कारण इसमें 11 वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट ले जाए गए थे, जो USA, UK, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बनाए गए थे। ये सब लेकर चांद की ओर चली सवारी इंडिया के लिए कम से कम 2 साल का मिशन होने वाला था। और जब चंद्रयान 1 चांद पर पहुंचा, तो उसने उस चीज की खोज की जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर पाया था, चांद पर पानी। अब वो अलग बात है कि रोवर पे यंत्र नासा वालों के होने की वजह से पहले डेटा USA पहुंचा, और सारा क्रेडिट नासा वाले ले गए, और इंडिया के हाथ जो लगा वो था फेलियर। यस, चंद्रयान 1 के रोवर को भी कनेक्शन फेलियर का सामना करना पड़ा था, जिससे 2 साल का मिशन केवल 8 महीने में ही खत्म हो गया। इस मिशन की जिम्मेदारी थी इनके कंधों पे, जो चंद्रयान 2 का भी हिस्सा बने। और भाई लोग, इसी किरदार पे अक्षय कुमार ने मिशन मंगल में भूमिका निभाई थी। अब उन्हीं साइंटिस्ट का मानना है कि चंद्रयान 3 इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा, क्योंकि भले भारत ने चांद पर पानी की खोज की हो, पर चंद्रयान 3 ही इसरो के लिए सारे क्रेडिट्स वापस लेकर आएगा। और भाई लोग, इनका कहना सही भी है, क्योंकि इसरो ने वही कोशिश चंद्रयान 2 के साथ भी की थी, जो कि बनावट के हिसाब से एकदम सही डिजाइन थी, लेकिन बस एक अज्ञात सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से पूरे मिशन पर पानी फिर गया। तो शायद यही वजह है कि आज चंद्रयान 3 की डिजाइन भी पहले वाले मिशन से मिलती जुलती है। पर ऐसा नहीं है कि इसरो ने इस बार कुछ भी बदलाव नहीं किया है। इसरो ने अब कनेक्शन और डेटा को बरकरार रखने के लिए इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का निर्माण किया है, जिस पर PM मोदी ने भी बयान दिया कि शायद भविष्य में आप चांद पर भी लोगों की बस्ती बसाई जा सकती है। और भाई लोग, इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि शाहरुख के फैंस ने उन्हें चांद पर 1 एकड़ की जमीन तोहफे में दे दी है। तो SRK की तरह हो सकता है आपका और मेरा भी जल्दी नंबर लग जाए। अब इस मिशन के मंगल के लिए सारे साइंटिस्ट भी मंदिर जाने लगे हैं, जहां 14 जुलाई को चंद्रयान धरती से रवाना होगा और 3 स्टेजेस से होता हुआ चांद पर पहुंच जाएगा। तो भाई लोग, अपने देश और इसरो के साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 2, इंडियन जर्सी पर भड़के फैंस। आज तक आपने इंडियन टीम को सिर्फ ब्लू रंग की जर्सी में ही देखा है। इतना ही नहीं, इंडियन टीम की हॉकी और फुटबॉल की जर्सी भी नीली है, पर आखिर क्यों? तो इसका जवाब है हमारा नेशनल फ्लैग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी जर्सी ऑरेंज या ग्रीन क्यों नहीं? तो भाई लोग, साहसी भगवा रंग हम हर बार पॉलिटिकल मामलों में यूज कर
करते हैं और हरे रंग की जर्सी तो ऑलरेडी एक टीम की है ही। इसी वजह से अशोक चक्र के नीले रंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हर बार ब्लू जर्सी चुनते हैं। लेकिन अभी बनी नई टेस्ट की जर्सी को देख कई फैंस नाराज हो गए। इन सब में सबसे बड़ा दोष ड्रीम इलेवन के लोगों को दिया जा रहा है। जिस राइट्स को खरीदने के लिए कंपनी ने बीसीसीआई को 358 करोड़ दिए थे और बीसीसीआई पर इंडिया का नाम हटाने पर भी कई सवाल उठे, जहां एक ने तो ये तक कह दिया कि सबसे बदसूरत जर्सी में से एक है, क्योंकि जब एडिडास इंडिया की किट स्पॉन्सर बना तो लोगों को कुछ इस तरह की उम्मीद थी। मगर जो भी हो, इस वजह से हमारा इंडियन टीम का सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है दुनिया हिला देने वाली इंडियन टीम। नंबर 3, एक माफी के पीछे की रामायण। ये थे मनोज जो ऑडियंस को दोष दे रहे थे और अब वो हो गए ऐसे जो ऑडियंस से माफी मांग रहे हैं। पर कुछ दिन पहले तक अपनी लेखनी का बचाव करने वाले मनोज का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे? वेल, इसका जवाब शायद बवाल के पीछे छुपा है, क्योंकि बवाल मूवी के लिरिक मनोज ने प्रमोशन के चक्कर में मूवी के पोस्टर शेयर करना शुरू कर दिए। लेकिन आदि पुरुष का घाव इतना गहरा था कि पब्लिक ने उन्हें तब भी ट्रोल करते हुए कहा कि इनकी मूवी को बायकॉट करना चाहिए और इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। मगर मनोज के माफी मांगने के बाद भी लोगों की छुपी नहीं हुई। सीरियल में हनुमान बने विक्रम वत्सल ने कहा कि मनोज ने माफी मांगने में बहुत देर कर दी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो ये सब अपनी आने वाली फिल्मों के लिए कर रहे हैं। और तो और, सूत्रों के अनुसार ये भी खबर सामने आई है कि अब मनोज सीता मूवी पर काम कर रहे हैं, यानी कि अब आदि पुरुष की तरह सीता माँ को भी मॉडर्न लुक दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 4, चलचित्र की बारिश। बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये फैक्ट बाय नहीं लोगों का कहना है। हाल ही में अक्षय कुमार ने आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 का पोस्टर लॉन्च किया और पब्लिक उस पर टूट पड़ी। किसी ने कहा कि आदि पुरुष के बाद भी नहीं सुधरे और किसी ने कहा कि भैया जनता को दूध भगवान को नहीं पर गरीबों में बांटो वाला ज्ञान मत देना। तो जहां ऐसे सवाल उठ रहे थे, उतने में आ गया मूवी का ट्रेलर। रख विश्वास, तू है शिव का दास। जिसने सब कुछ चुप कर दिया, अब लोग इस मूवी की तारीफ करते नहीं थक रहे। यानी क्या अब राम सेतु और सेल्फी जैसी फ्लॉप मूवीज के बाद अक्षय फाइनली हिट मूवी देंगे? वेल, ये भले रिलीज के बाद पता चले, मगर स्त्री 2 को तो लोगों ने पहले ही थम्स अप यानी हिट कर दिया है। इस अनाउंसमेंट में मेकर्स ने ट्विस्ट दे डाला और ओ स्त्री कल आना की जगह पर ओ स्त्री रक्षा करना कर दिया। अब सवाल ये आता है कि ये सरकटे का आतंक है क्या? इसका जवाब जानने के लिए आपको अगस्त 2024 तक रुकना पड़ेगा। वहीं पर वर्किंग ऑन द स्टोरी लिंक, ये चार शब्द लोगों के सामने आए और उनकी दुनिया हिल गई। ये शब्द द एसएस राजामौली के RRR 2 के बारे में है और जैसे ही लोगों ने ये सुना तो उनकी एक्साइटमेंट सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। मगर फिलहाल इस मूवी के बारे में राजामौली ने इतना ही बताया कि अब वो फिल्म महेश बाबू को लेकर बनाएंगे। तो अब बस देरी है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। नंबर 5, अभी की भाभी। अभी की भाभी बेबिका, ये देखकर तो फैक्ट भाई का माथा चक्कर खा गया। फिगर्ड इंसान की तो रातों की नींदें उड़ जाएंगी भाई साहब। और ये अकेला मेरा नहीं, फुकरा इंसान का भी ख्याल है। दरअसल हुआ ये कि 11 जुलाई की रात चल रहे लाइव में बेबिका और अभिषेक मस्ती मजाक कर रहे थे और ऐसे में बेबिका ने ये कह दिया कि निश्चय उर्फ ट्रिगर्ड इंसान से अच्छा उन्हें बिग बॉस के घर में कोई सदस्य नहीं समझ सकता। उन्होंने बिग बॉस को ट्रिगर्ड इंसान को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने की रिक्वेस्ट की और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि वो प्यार में गिर जाएंगी। मतलब वो इंसान जिसने शो के पहले एपिसोड से लेकर अब तक हर दिन अभिषेक के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, उसे पोक करने का एक मौका नहीं छोड़ा। जिसे खुद सलमान खान ने कह दिया कि वो जानबूझकर लोगों को पोक करती है। उन्हें लगता है कि फुकरा इंसान का भाई उन्हें समझेगा और उनके प्यार में पड़ेगा, पर बेबिका ने बोला है तो गलत कैसे? आप ही देखो निश्चय ने बेबिका को कितना सही समझा है। ये टुनटुन मौसी मिक्स डॉली बिंद्रा जैसी दिखने वाली प्राणी। इसे सुनकर तो यही लगता है कि अगर गलती से बेबिका उनके आगे आ गईं, तो जैसा अभिषेक ने कहा निश्चय सच में पहाड़ की चोटी से कूदने पहुंच जाएंगे। देखो देखते ही वो सीधा जाएगा पहाड़ी की चोटी पे कूदने। लोगों ने कहा कि व्यूज के लिए ओटीटी कुछ भी करेगा। फुकरा इंसान का नाम कम पड़ गया था क्या जो ट्रिगर्ड इंसान को बीच में घसीट रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? तब तक के लिए क्लिक करो इस आई बटन पर, जानो कि पिछली बार फैक्ट बाइक कौन सी खबरें लाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।